चारों नहीं एक अभी टाइम है, अभी टाइम है, इनको बोल लेने दो पहले. विल डू द फोटोग्राफी इन द जिस पर पूरे देश की नजर रहती है, श्री अवनीश यादव जी से मैं आग्रह करता हूँ वे आए और अपने पिता के करें श्री अवनीश यादव जी. धन्यवाद संचालक महोदय. आज हम सब अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई जोश है कि हम सब हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय और हम युवाओं के हृदय सम्राट और जहां भी डिग्री कॉलेज और छात्र के चुनाव हुए वहां पे जितने भी नौजवान थे, जो भी छात्र और छात्राएं थी, जिनके चेहरे को देखकर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो भी छात्र और छात्राएं थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे को देखकर हम लोगों को काम किया है और समाजवादी छात्र सभा को वहां पे चार पद जो महत्वपूर्ण पद देने का काम किया. इसके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, जो हम लोग के मार्गदर्शक हैं, हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, इनको मैं अपने धन्यवाद देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं. इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी, इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री अहमद हसन साहब जी, इस मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष और बनिया और पूर्वांचल के गाली कहे जाने वाले श्री राम गोविंद चौधरी जी, और इस मंच पर उपस्थित हम लोग जब भी इलाहाबाद से चलकर और लखनऊ आते थे और अपनी समस्याओं जिनके सामने रखते थे आदरणीय एसआरएस बाबू जी, और इस मंच पर उपस्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवानों के सुख और दुख और उनके दर्द को समझने का काम करने वाले आदरणीय हम लोगों के नेता और हम लोगों के साथ हमेशा चलने का काम करते हैं आदरणीय श्री बधाई सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी, और इस मंच पर उपस्थित समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, और इस मंच पर उपस्थित जो समाजवादी छात्र सभा का पैनल हम लोग को जिताने के लिए गया था, जिन उसमें 9 ऐसे लोग जिनका नाम श्री पवन पांडे जी से लेकर श्री रामकृष्ण सिंह यादव जी से लेकर नफीस अहमद जी से लेकर यूजर सभा के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष एबाद सर से लेकर छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष और वहां पर जो हम लोग के बड़े भाई जो छात्र सभा के चुनाव में हम लोग को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं श्री कृष्णमूर्ति यादव जी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है, हेमंत टुल्लू सर, हम लोग के बड़े भाई डॉक्टर रामप्रीत सिंह यादव सर, और हम लोगों के मार्गदर्शक श्री संग्राम यादव सर, अभिषेक भैया, अजीत विधायक और ऋचा मैम से लेकर जितने लोगों ने हम लोग को जिताने के लिए हम लोग को मार्गदर्शन करने का काम किया, उन सबका मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ. आप सबका जो प्यार मिला, जो आप सबका सहयोग मिला, आज उसी की देन है कि इसके पहले मैं तमाम मीटिंगों में आता था तो मैं सबसे पीछे वाली कतार में खड़ा रहता था और मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकूं, लेकिन वहाँ आपके आशीर्वाद से आपके चेहरे पर आज जो मुझे सौभाग्य मिला है, जो मुझे आज जो मैं यहाँ पे खड़ा होकर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, एक आम परिवार से आने वाला छात्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर 2012 में प्रवेश लेकर अपने माँ बाप का सपने को पूरा करने गया था, लेकिन आपके विचारों से प्रभावित होकर, आपके कार्यों से प्रभावित होकर छात्र राजनीति में कदम रखा और आपके चेहरे को अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर भगवान वाले जो लोग थे उनको भगाने का काम किया, कहीं ना कहीं आपके चेहरे की देन है, आपके व्यक्तित्व की देन है, आपके कार्यों की देन है. हमारे राष्ट्रीय दल में हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इलाहाबाद ही नहीं पूरे पूर्वांचल का जो नौजवान है वो आपके चेहरे में अपना भविष्य देखता है, वो आपको अपना आदर्श मानता है, वो आपके कदम देखता है. जब उसके दूर और दूर कोई भी होता है तो उसके नाम में स्थान है, बस युवा का जो चेहरा आता है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का नाम आता है. हम सब आपके कर्जदार हैं, हम सब आपके ऋणी है कि आपने सामान्य परिवार के जो एक बालक था उसको आपने छात्र का अध्यक्ष बनाया और आपके सामने आज खड़ा होकर मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आजीवन कर्जदार हूँ, ऋणदार रहूंगा. अगर समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए अगर मुझे अपनी खून की भी कीमत देनी पड़ी, पसीने के साथ साथ अगर खून भी बहाना पड़ा तो मैं पीछे हटने का काम नहीं करूंगा, आपके हर विश्वास में खड़ा उतरने का काम करूंगा. माननीय राष्ट्रीय हम लोग के संरक्षक माननीय लाल सिंह यादव जी के सपनों को और आपके सपने को पूरा करने के लिए हम लोग कहीं पीछे हटने का काम नहीं करेंगे. आप हम लोग का आह्वान करिएगा, आप हम लोग का निर्देश करिएगा, आपके हर बनाए हुए रास्ते हम लोग चलने के लिए तैयार है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो छात्र है, जब मैं जाना जब वहाँ के लोग जाने की मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मिलने जा रहा हूँ, उनके अंदर बहुत ही खुशी हुई. उन्होंने कहा कि आप श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र के
हम सब उनका स्वागत करना चाहते हैं, हम सब उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो आप मेरा निवेदन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 25,000 जो केवल कैंपस के छात्र हैं और जो 10,000 दीर्घकाल के छात्र हैं, मैं उन सब के तरफ से आप सब लोगों करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आप एक दिन अपने बहुत समय में एक दिन का समय दे दीजिए। इलाहाबाद का जो हम लोगों को आपने सम्मान दिया है, जो हम लोगों को आपने प्यार दिया है, आपसे मैं आशीर्वाद लेकर गया था, आपके चेहरे पर मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने दर्शन किया है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप प्लीज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों को समय देने का काम करिए, एक दिन का आप अपना बहुमूल्य समय दे दीजिए, हम सब आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। आपसे यही निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब आपके छोटे भाई हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने आपको गोद में खिला है, आप मेरे घर गए हुए थे, आपने मुझे अपने गोद में खिलाया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और मुझे सौभाग्य मिला है 22-23 साल बाद कि मैं आपके सामने यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मेरे अंदर की थोड़ी सी झिझक जो है वो झिझक जा नहीं पा रही है, मैं इतना उत्साहित हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर थोड़ा सा अजीब टाइप की भावनाएं यहाँ पे आ रही है। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, एक मन के अंदर डर भी लगा हुआ है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े नेता के सामने मैं बोल रहा हूँ, कुछ गलतियां हो जाए तो माफ करिएगा। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, हम लोग द्वारा अपना आशीष बनाए रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोहिया, जय अम्बेडकर, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।